अयोध्या की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अयोध्या के आसपास के इलाके में जब जाएंगे, मिल्कीपुर की मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, तो कुछ इसी तरीके की टपरी मिलेगी, चाय की दुकान मिलेगी, कोई बहुत बड़ा उस तरीके का बाजार नहीं मिलेगा और लोग डेवलपमेंट को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। चूंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, तो हम लोग क्या सोचते हैं जानने के लिए न्यूज 24 ग्राउंड में है। तो हम लोग भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि सड़कें तो बहुत देख रहे हैं, अयोध्या में तो बहुत डेवलप है, इधर कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए सब डेवलपमेंट उधर ही है, इधर थोड़ा कम है, ये ठीक है क्या? नहीं है, इधर भी है, एक जगदीशपुर तक है हाईवे बना। अच्छा ठीक है जी। तो क्या है चुनाव को लेकर आप लोगों की राय क्या है, यहाँ जो बाई इलेक्शन होना है जी, तो उस पर तो तारीख नहीं हुई है, तो कैसे आप लोग देख रहे हैं? अभी बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं घोषित किया, जब करेंगे तब कोई सही वो आ गए, इससे अभी क्या किया जाए, सोचा जाए में। आ? बिना कुछ कैंडिडेट भय के का सोच लिन जाए कि के का दिन जाए के का न दिन जाए। अरे तो चुनाव न ऐलान रहे ना रहे तो फिर काउकिन जाए, जब आए तब देखा जाए तब दिन जाए। क्या नाम है? राम अमर नाम हमारा। आ? राम अमर। राम अमर। हाँ अच्छा टाइटल तो बता दे कहे की। अरे चलते सरकारी जात अब देश। अच्छा तो ये बताइए हमको कि क्या है इस बार चुनाव अगर होता तो अवधेश प्रसाद जी के लड़के ज्यादा मजबूत थे या फिर बीजेपी का कैंडिडेट जो बाबा गोरखनाथ हैं जो पिछले बार यहाँ प्रत्याशी थे, तो कैसी लड़ाई होगी, क्या आप लोग सोचते हैं यहाँ के चुनाव? तो उते नहीं भाई, और हम कहो बताई तुमसे, वो देखे नहीं आए घोषित भा है मुकर जीते है, आज तक यहाँ तक देखे नहीं आए कि के मरता है के जिंदा है। कौन? यही बाबा गोरखनाथ। और ना यही देखे नहीं होते भैया, बोला काव किन जाए एक मजबूरी बस हो के दे दी एक परत है कि ये जीता था और क्यों जीता ये नहीं, ना तो दियो हटाओ बवाल खत्म करो कहानी। दोनों तो एक ही बिरादरी के। हाँ तो एक ही बिरादरी, मुला पास ही वंश में एक लंके है जान लियो। हाँ आप बताइए पंडित जी क्या नाम है आपका? राम बहादुर पांडे। हम तो पास ही जात के हम हूँ, बोला एक लंकी है वो के बाबा गोरखनाथ की अवधेश प्रसाद। हाँ काहे का कलंक? एक लंकी ऐसा है कि कोई शासन नहीं, कोई आज तक कई नहीं भय, आज तक कुछ नहीं दिए कि यहाँ देखने नहीं आए कि कौन मर रहा कौन जिंदा है। अच्छा हाँ बात तो आपकी सही है जो कह रहे हैं। हाँ? जो है सही है। ये बताइए कि सुरक्षित सीट है लेकिन ब्राह्मण यहाँ सबसे ज्यादा है, तो क्या है आप लोगों की ब्राह्मणों में क्या विचार? तो बीजेपी को ही देंगे और ये लोग भी रहेंगे बीजेपी में रहेंगे। बीजेपी यहाँ से है, इस गांव से, उधवी मोजे से जो है, इस गांव से आसपास जो आप अपना बिरादरी का बताइए ना। हम पंडित तो रहेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं, वो किसी को नहीं देंगे। पिछली बार लोगों ने कहा कि ब्राह्मण बड़ा नाराज है। ब्राह्मण नहीं नाराज है, ये आप लोग गलत कह रहे हैं। नहीं जो कहा वो गलत है। तो ये मिल्कीपुर में चुनाव को लेकर के क्या है, यहाँ चुनाव हुआ नहीं, लोग कह रहे हैं हार के डर से नहीं हुआ जो सपा वाले कहते हैं, ऐसा अब वो बीजेपी कह रही है कि आने दो पता चला देंगे। बात ये है कोई देखने तो गया नहीं क्या हुआ है, अब वो सरकारें समझे या जो कर रहा वो जाने, हम लोग के बीच में जो ये लोग बैठे जो बात आई वही अपना बोल दिए। अच्छा ऐसा तो कुछ कोई यहाँ से गया वहाँ देखने क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है कौन क्या कर रहा है? चुनाव में कौन भारी है, क्या हवा है, लोकसभा जैसा माहौल है या डाउन? जैसे अभी आपने कहा ये कि अवधेश प्रसाद के लड़के यहाँ से आएंगे। हाँ। तो पहले आए थे एक बार, वो जिला पंचायत लड़ चुके हैं और हारे थे, और ये जो गोरखनाथ की बहन थी या कोई है वो लड़ी थी तो यहाँ जीती थी वो चुनाव बीजेपी के, उससे तो वो तो भारी नहीं पड़ेंगे गोरखनाथ पे भी, अगर मान लीजिए गोरखनाथ को भी टिकट मिलता है। वैसे तो कई लोग लगे हैं, चंद्रभान पासवान वगैरह भी है, ये लोग भी सोच रहे हैं हमको मिल जाएगा, और भी कोई बीच में आया था तो वो लोग भी सोच रहे हैं हमें मिल जाएगा, लेकिन अब कौन क्या है कैसे होगा वो तो पार्टी निर्धारित करे। आप लोग बताइए चाचा, हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, पूछ रहे थे कि क्या माहौल है यहाँ का चुनाव का, अभी तो चुनाव का तारीख हुआ नहीं है। तो नहीं हुआ है वो तो सही है, लेकिन यहाँ जो भी है एकदम फैक्ट है कि जीतना तो भाजपा को है, लड़े कोई भी प्रत्याशी कोई भी है क्लियर है, क्योंकि ब्राह्मण समाज भले ही कहा जाए लेकिन ना लोकसभा में ना विधानसभा में वो भाजपा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लोकसभा कैसे हार गई बीजेपी? लोकसभा बीजेपी ब्राह्मण की वजह से नहीं हारी,
वो अपने कारनामों से हारे हैं। सही कहा था। और जो प्रत्याशी यहाँ मिलेगा मिल्कीपुर को, वो आज तक जमीनी पकड़ लेके नहीं चला है, वो केवल लखनऊ और केवल अपने नेताओं को देखा है, गांव और समाज में नहीं उतरा। चाहे वो अवधेश रहे हों, चाहे गोरखनाथ रहे हों, या कोई भी अदर रहा हो, केवल एक विधायक था मित्र सेन या बृजभूषण त्रिपाठी, जो कि जमीनी स्तर के नेता थे। हर अठारह दिन कुमारगंज मार्केट लगती थी, वहां जाते थे, लोगों से मिलते थे, रोड से जा रहे थे, आपको देखते खड़े हो जाते। अरे कम से कम विधायक का मतलब क्या होता है कि आप समाज में निकलिए, जनता से मिलिए, जनता क्या समस्या है, आप काम भले न कीजिए लेकिन उनसे मिलिए। जैसे हम लोग देखे तो आ गए आपसे, ऐसे विधायक को चाहिए कि आए और रुक के मिल जाए, भले काम करे या ना करे, काम तो सरकार करेगी। बीजेपी सरकार जो काम कर रही अच्छा कर रही है, आज तक जो भी काम किया है उसने कहीं भी गलत नहीं किया। लेकिन विपक्षी लोग तो कहते हैं, उनका कहना है कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आज तक 40 साल कांग्रेस थी, क्या किया बताए कांग्रेस ने कि हमने क्या किया? सपा की सरकार थी, बताए कि मैंने क्या? कांग्रेस को ही तो जीता के भेजे हैं आप लोग। नहीं तो जीता के भेजे थे, लेकिन जब नहीं काम किया तब भाजपा आई। अब भाजपा आई, भाजपा काम से आप करें कि जो सांसद थे लल्लू सिंह, बहुत उनसे नाराज? नाराज उनसे नहीं, उनके कारनामों से। लल्लू सिंह की जगह दूसरे को दिए होते देखते। तो क्या कारनामा था लल्लू सिंह? कारनामा था कि वही खाली बैठ के पान खाएं और अपना सर्किट हाउस में घूमें, यहाँ जनता से कोई मतलब नहीं। अरे सांसद हो, महीने में एक चक्कर चले आओ, घूमते हुए 10 लोगों से मिल जाओ, कोई जरूरी नहीं कि आप हमें से मिलें, लेकिन गांव के या क्षेत्र के किसी आदमी से तो मिलो। अवधेश प्रसाद घूमते हैं? कोई कभी नहीं, आज तक नहीं आए, जब से जीते नहीं आए, केवल बस अयोध्या के राजा बन के बैठे। साले राजा तुम हो गए तो यहाँ का प्रजा कौन है? भगवान राम है राजा कि तुम हो? राजा उनको कहो तो राजनीतिक तौर पर लोग बैठा दिया, राजनीतिक तौर पर बैठा दिए, लेकिन अवधेश ने खुले शब्दों में कहा कि अयोध्या के राजा हैं। अवधेश वो अखिलेश ने बना दिया उनको अयोध्या का राजा। आ जाए हम लोगों के सामने अखिलेश, अगर दम है तो बताऊं कि राजा कौन है। तो बहुत नाराज है? नहीं नाराज नहीं, जो सत्यता है। आप बताएंगे कि हाँ अवधेश राजा है, आप कह सकते हैं। राजनीतिक तौर पर लोग उपमा देता है ना, देते हैं, लेकिन वो ये कहे होते कि हाँ ये इनको राजा की उपमा दी जा रही है। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अयोध्या के राजा हैं। नरेश भगवान तब राम है, उनको क्यों नहीं कहा? और उनके राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई उनके पिताजी ने, उसको एक बार नहीं कहते कि हमारे पिताजी ने गोली चलवाई है? जो उन्हें गरियावा जाता है, बाहर के लोग आते थे, यहाँ गाली पावता है जो दवाले। क्यों गाली पा रहे हैं? पा रहे हैं जो जीते नहीं, कहाँ जीते उसे गाली। भगवान राम को बैठाया जिसने, उसको ये लोग वोट नहीं दिए। आप लोग भाई साहब चलिए कुछ और जगह पर ले चलते हैं आपको। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के माहौल क्या है? वो जनता के बीच में आए, भले काम करे या ना करे, लेकिन जनता के बीच में आके मिलता रहे, उसकी जमीनी पकड़ होगी और कभी भी उसको कोई नहीं हिला सकता, चाहे कोई पार्टी कोई पार्टी से आए। चलिए तो ये जात पात वाला चुनाव है इस बार की नहीं? नहीं, जात पात का चुनाव नहीं है इस बार, एकदम क्लियर है। नहीं ना, इस बार तो केवल हिंदूवादी। अच्छा हाँ, चलिए कुछ